सिक्योर स्टडी पर मंडारी में आपका स्वागत है। मैं देखिएगा झारखंड का ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। यहीं से देखिएगा वैकेंसी निकल कर आते हुए दिखाई दे रहा है आईटीआई इंस्ट्रक्टर का। यहाँ पे देखिएगा झारखंड इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी निकल कर आते हुए दिखाई दे रहा है। एक आध डेढ़ सप्ताह पहले आपको पता होगा बिहार इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी निकल कर आते हुए दिखाई दिया था, अब यहाँ पे झारखंड इंस्ट्रक्टर का भी जो है वैकेंसी निकल कर आते हुए दिखाई दिया है। चलिए आइए इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। बात करने से पहले जो चैनल पर न्यू है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा तो ही समझ में आएगा। चलिए देखिएगा ये इसका झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट पे है, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। देखिएगा सबसे पहले परीक्षा शुल्क के बारे में जान लीजिए। जो लोग अप्लाई करेंगे UR EWS OBC से हैं उसे 100 रुपये देना होगा। उसके अलावा बात करें तो उसके अलावा अदर जो कैटेगरी है उसे 50 रुपये देना होगा। यहाँ पे शर्त यह है कि झारखंड का निवासी अगर ST SC है तो आपको 50 रुपये शुल्क देना है। देखिए मैं आपको दो पोस्ट के लिए मैं विशेष करके बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिएगा विद्युत विद्युत यानी इलेक्ट्रिशियन अगर आपने कर रखा है तो आपके लिए 153 सीट रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया अलग अलग। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देख सकते हैं UR के लिए 61, उसके अलावा बात करें ST के लिए रखा गया 40, SC के लिए रखा गया 15, उसके अलावा EBC के लिए रखा गया 12, उसके बाद फिर जो है EWS के लिए 12 रखा गया और EWS के लिए 16, सॉरी EBC और OBC के लिए जो है 12 और 9 क्रमशः रखा गया है। उसके अलावा अगर आप फीटर पे आएंगे तो फीटर में टोटल 144 रखा गया है। यहाँ पे देखिएगा UR का 58 रखा गया है, ST का 36, SC का बात करें 15, उसके बाद बोले OBC और EBC के लिए 12 और 9 रखा गया, उसके अलावा EWS के लिए 14 सीट रखा गया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा जो भी आपका क्वालिफिकेशन है यहाँ पे मेंशन किया गया है, उसके अलावा यहाँ सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। कुल 37 ऐसे ट्रेड को मौका दिए गए हैं जिसमें कि आपका जो BTech आ जाएंगे, फिर डिप्लोमा आ जाएंगे, फिर ITI के भी जो है ट्रेड आते हुए दिखाई देंगे। तो अपने हिसाब से यहाँ पे आप जरूर चेक कर लीजिएगा आपका जो है सीट कितना दिया गया है। देखिएगा इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षण अधिकारी का बात करें तो यहाँ पे लेवल 6 के वेतन के हिसाब से आपको जो पेमेंट मिलने वाला है। यहाँ पे पेमेंट का बात करें तो 35,400 से लेकर 1,12,000 तक पेमेंट जाते हुए दिखाई देगा। यहाँ पे साफ कहा गया आपके पास अगर इलेक्ट्रिशियन का डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो पाइएगा। साथ में बात करें तो यहाँ पे DGT की तरफ से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा भी अगर आपने कर रखा है इलेक्ट्रिकल में तो भी आप जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होइएगा। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में किए हैं तो भी आप एलिजिबल होइएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अगर आपने कर रखा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाइएगा। चलिए इसके अलावा जान लीजिए अगर आपने BTech कर रखा है तो आपको 1 साल का अनुभव होना चाहिए, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो 2 साल का अनुभव होना चाहिए, अगर आपने ITI कर रखा है तो यहाँ पे आप देखिएगा मेंशन किया गया 3 साल का अनुभव आपको होना चाहिए। साथ में आपके पास CITS भी होना चाहिए, जो DGT कोर्स करवाती है 1 साल का वो भी डिग्री आपके पास होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए इलिजिबल हो पाइएगा। उसी प्रकार सभी में मेंशन किया गया है, फिटर में भी सेम कंडीशन रखा गया है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे मेंशन किया गया है 1 साल का अनुभव होना चाहिए, उसके अलावा 2 साल का, उसके अलावा 3 साल का, साथ में CITS भी होना चाहिए जो DGT करवाती है 1 साल का। चलिए दोस्तों सारे के सारे जो ट्रेड में है सेम ही कंडीशन लागू है, बशर्ते आपको जो है क्वालिफिकेशन सिर्फ अलग अलग मेंशन किया गया है, लेकिन CITS सभी में अनिवार्य किया गया है। चलिए कहा गया जब जिस समय आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई करते समय जो है आपका सभी डिग्री अनिवार्य रूप से पूर्ण हो जानी चाहिए। चलिए न्यूनतम वर्ष जो आपका काउंट किया जाएगा 1/8/2023 से, और जो यहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा का गणना का संदर्भ का बात करें तो ये 1/8/2019 को जो है रखा गया है। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष रखा गया। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे अलग अलग मेंशन किया गया है एज, और उसके बाद फिर बाद में जो बोले जो अलग अलग जो छूट दिया गया है यहाँ पे मेंशन किया गया है। चलिए फॉर्म भरने का जो तिथि रखा गया है 23/6 से लेके यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो 22/7 तक रखा गया है। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे भुगतान शुल्क का बात करें तो आप 24 तारीख तक का आपको जो है पेमेंट कर पाएंगे। प्रिंट आउट लेने का जो तिथि रखा गया है देख सकते हैं आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है 26/7 तक आप ले पाएंगे प्रिंट आउट। उसके अलावा बात करें यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो करेक्शन कर सकते हैं आप 28/7 से लेके 30/7 के
बीच में। चलिए आगे मेंशन किया गया सीबीटी एग्जाम होगा, नॉर्मलाइज अंक के आधार पे जो है आपका सिलेक्शन होना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सेक्शन दिया गया है, 25 मार्क्स रहेगा हिंदी, अंग्रेजी रहेगा 25 का, उसके बाद बोले झारखंड का जीके जीएस रहने वाला है 30 मार्क्स का, उसके बाद बोले साइंस का रहने वाला है, उसके बाद गणित का 10 रहने वाला है, मानसिक क्षमता का 10 रहने वाला है, और कंप्यूटर ज्ञान का 10 रहने वाला है। देखिएगा दोस्तों, पहला एग्जाम क्वालिफाइंग है, 120 में से आपको 30 मार्क्स लाना है, क्लियर कहा गया है। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे बोला गया है 120 मार्क्स आपका जो ट्रेड रिलेटेड आपका होने वाला है, जो ट्रेड रहेगा। यहाँ पे देखिएगा डीजीटी का जो सिलेबस है उसी के आधार पे जो है क्वेश्चन रहने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा 120 क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पे देखिएगा न्यूनतम जो मार्क्स रखा गया है वो इस तरह से मेंशन किया गया है। आई होप आपको सारा चीज समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। जो भी एलिजिबल है इस पोस्ट को जरूर अप्लाई करिएगा।